देखेंगे। और देखिए बड़ी खबर, 12 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ है। रेणुका मिश्रा डीजी प्रशिक्षण बनाई गई हैं। प्रशांत कुमार को डीजी एसएसआईटी का अतिरिक्त प्रभार मिला है। तनुजा श्रीवास्तव डीजी रूल्स एंड मैनुअल बनी है। संजय एम तरड़े महानिदेशक टेलीकॉम बनाए गए हैं। अमित चंद्रा अपर पुलिस महानिदेशक पीटीसी मुरादाबाद। वहीं दीपेश जुनेजा अपर पुलिस महानिदेशक अभियोजन। सुनील कुमार गुप्ता अमित अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण। वहीं नीरा रावत अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन बनी है। आशुतोष पांडे अपर पुलिस महानिदेशक एसएसआईटी बने हैं। जय नारायण सिंह अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे। अनुपम कुलश्रेष्ठ अपर पुलिस महानिदेशक यातायात बनाए गए। स्टेट हेड वीरेन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेन जी देखिए ये जो फेरबदल की गई है, किस प्रकार से फेरबदल की गई है? देखिए करीब उत्तर प्रदेश में 19 आईपीएस अफसरों के तबादले अभी सरकार ने कर दिए हैं और इस तबादलों में डीजी ट्रेनिंग रहे हैं उनको हटाया गया है और उनकी जगह पर अब दीपेश जुनेजा को नया डीजी ट्रेनिंग बनाया गया है। इसी तरह से सुनील कुमार गुप्ता को एडीजी बनाया गया है। दीपेश जुनेजा अब अभियोजन के नए पुलिस महानिदेशक बनाए गए। आशुतोष पांडे की जगह उनके खिलाफ आज हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि उनकी नियुक्ति अवैध और उनको हटा दिया जाए, तो सरकार ने आशुतोष पांडे को अभियोजन के जो डीजी के पद पर तैनात थे उनको हटा दिया है और उनकी जगह दीपेश जुनेजा को लाई है। प्रशांत कुमार का कद बढ़ाया गया है, उन्हें स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अब एसआईटी की भी जिम्मेदारी दी गई है, तो प्रशांत कुमार का भी सरकार ने कद बढ़ाया है। इसके अलावा जय नारायण सिंह जो पिछले 2 साल से मुरादाबाद में थे अकेडमी में, उनको एडीजी रेलवे का चार्ज दिया गया है। महत्वपूर्ण पद है और 2 साल बाद करीब उनकी अब मुख्य धारा में वापसी हो रही है। जय नारायण सिंह की उत्तर प्रदेश के ईमानदार और चर्चित आईपीएस अफसरों में उनकी गिनती होती है जी। इसके अलावा इसके भगत से रेलवे वापस ले लिया गया है और वो पुलिस और भवन का काम देखते रहेंगे और कुल मिलाकर आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं उसमें ये नाम काफी प्रमुख है। संजय एम तरडे हैं, उनको डीजी टेलीकॉम पुलिस महानिदेशक टेलीकॉम बनाया गया है और तनुजा श्रीवास्तव को रूल और मैनुअल के साथ साथ उनको जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया है विशेष जांच का। तो आज जो तबादले हुए कुछ अधिकारी रिटायर हो रहे हैं, एक कोर्ट से अच्छा मामला था और सबसे महत्वपूर्ण तबादला जय नारायण सिंह की लखनऊ वापसी है जी। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी।